सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमजे क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनोज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार एमजे क्लासेस में। दोस्तों, ये बेसिक मैथ्स का थर्ड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट में आपको मैथमेटिक्स का कैसे यूज़ करते हैं, यानी गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, प्लस माइनस से अगर दोनों का कंबाइंड रहेगा तो कैसे करते हैं, ये सिखाया था। और दूसरा जो वीडियो था, मैंने आपको उसमें वेरिएबल्स यानी अचर जो क्वांटिटी होती है, यानी वेरिएबल क्वांटिटी यानी अचर राशि, उसके बारे में समझाया। जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड इस तरीके के जो क्वेश्चन रहेंगे उसको समझा दे, कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, कब जुड़ेगा कब नहीं जुड़ेगा और गुणा भाग कैसे होगा उसका। तो आज का टॉपिक हम लोग फ्रैक्शन के ऊपर आते हैं। फ्रैक्शन यानी भिन्न, यानी आपने देखा होगा बहुत सारी संख्याएं होती है जो 1/4, 3/2 इस तरीके से लिखा जाता है, उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। तो भिन्न में कैसे हम लोग को यूज़ करना है, उसका एडिशन, उसका मल्टीप्लाई, उसका डिवाइड रूल, उसका सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ घटाओ, उसका गुणा कैसे करते हैं, कैसे हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी तत्व के निश्चित हिस्से को भिन्न कहते हैं। अब आपके मन में अगर सर निश्चित हिस्से का यहाँ पे क्या तात्पर्य है, सपोज करिए कि आपके पास एक रोटी है और खाने वालों की संख्या क्या है, 4 है। तो देखिए, 4 लोग हैं और रोटी एक ही है, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा आप क्या करोगे, उसके 4 भाग करोगे तो उसका आप 4 लोगों को उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट दोगे तो उसका जो 1/4 पार्ट है यानी 1/4 हिस्सा, यही उसका निश्चित हिस्सा होता है। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न कहते हैं। तो भिन्न, एक बात याद रखिएगा कि भिन्न का जो मान होता है कभी भी 1 से बड़ा या 1 से अधिक नहीं हो सकता है, ये याद रखिएगा। अब जैसे उदाहरण में देखते हैं कि सर देखिए 3/5, 3/4, 5/6, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, फ्रैक्शन यानी भिन्न कहलाते हैं। जो ऊपर का नंबर होता है यानी देखिए यहाँ 3, 3, 5, तो जो ऊपर में होता है उसे बोलते हैं अंश, और जो अंश यानी न्यूमरेटर, और जो नीचे का हिस्सा होता है उसे बोलते हैं हर यानी डिनोमिनेटर। ये टर्म्स याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ऊपर जो भी रहेगा उसे क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर, और नीचे जो रहेगा उसे बोलेंगे डिनोमिनेटर, ये याद रखिएगा। क्लियर है, ओके। और एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऊपर का हिस्सा हमेशा क्या रहना चाहिए, कम, और नीचे का हिस्सा क्या होगा, ज़्यादा, तभी यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 से हमेशा कम आएगी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हमारे भिन्न यानी फ्रैक्शन होता है, ये फ्रैक्शन 2 प्रकार का होता है। एक साधारण भिन्न होता है। साधारण भिन्न में क्या होता है, आपका 2/3 या इस टाइप के लिखते हैं, इसको बोलते हैं साधारण भिन्न। और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है संयुक्त भिन्न। अब संयुक्त भिन्न में क्या होता है, दरअसल इसे इसको हम लोग होल में लिखते हैं। जब हमारी ऊपर की संख्या बड़ी हो जाती है, ऊपर की संख्या क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसके अंदर इस तरीके से। देखिए, जैसे सपोज करिए, चलिए मैं तो इसको ऊपर करके आपको समझा रहा हूँ। जैसे सपोज करिए, आपका कभी कभी आ जाता है कि देखिए ऊपर क्या है 7 और बटे में क्या है 3। तो देखिए ऊपर का हिस्सा ज़्यादा हो गया ना, लेकिन हमने अभी क्या बताया कि ऊपर का संख्या आपका कम होना चाहिए, नीचे की संख्या ज़्यादा। तो इसलिए इसको हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं किस फॉर्म में, संयुक्त भिन्न के फॉर्म में। कैसे करते हैं देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये 7 है, आप इसको 3 से भागा दीजिए। तो देखिए 3 के पहला में 7 आता है नहीं, लेकिन ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यहाँ पे 6 आ गया, और यहाँ देखिए 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 1। तो इसको हम लोग लिखते ऐसे हैं कि जो भागफल होगा यानी जो हमारा इधर आएगा 2, इसको यहाँ लिखेंगे, और जो शेषफल होगा ये ऊपर, और जो हमारा यहाँ पर रहेगा भाजक उसे हम लोग 3 नीचे लिखते हैं। तो इस तरीके से इसको हम लोग जो हमारा
अगर ऊपर ज़्यादा रहेगा नीचे कम रहेगा तो उसको कन्वर्ट करने के लिए ऐसा इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं संयुक्त भिन्न। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये जो नंबर आएगा, जैसे यहाँ मैंने लिखा है तो यहाँ देखिए 2 है, तो ये एक पूर्णांक है और ये हमारा क्या है, ये वाला हिस्सा साधारण भिन्न कहलाता है। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो भी संख्या रहेगी आप क्या करोगे, ये नीचे यानी नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर यानी हर, तो हर का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, फिर इसमें क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो आइए करते हैं। तो देखिए 9 और 9 है तो 9 नवा 81 होता है, और फिर जो वहाँ पर क्या करेंगे प्लस ऊपर जो संख्या रहेगा उसमें हम लोग ऐड कर देंगे और बटे में क्या रहेगा 9 और यहाँ गुणा 9 रहेगा। अब ऊपर जोड़ लेंगे तो 81 और 4 कितना हो जाएगा 85 और बटे में 9 गुणे 9। तो देखिए ये 9 से 9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और जब कटेगा तो इसका आंसर क्या जाएगा 85, ये इसका आंसर आ गया। वैसे एक और क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर चलो ठीक है, अब जैसे यही संख्या अब हमको मान लीजिए 2 सही 1/3 है, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, किसी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ऐसे अपने मन से क्या किया मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसकी वैल्यू हमको मान लो पूछ देगा तो कैसे करेंगे, तो बिल्कुल देखो हमको ये पता है कि इसकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए। अब चलो ये भी हम लोग सिखा देते कैसे आएगा। तो जो नीचे है यानी नीचे क्या है हर, तो हर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 गुणे 2 यानी 3 दुनिया 6 छः, और जो ऊपर जो संख्या रहेगी उसमें हम लोग क्या करेंगे उसको जोड़ देंगे और बटे में 3 और गुड़े में क्या हो जाएगा 6। तो देखिए इसको आप जोड़िए तो कितना आएगा 6 1 7 और बटे का 3 गुड़े 6। तो देख रहे हैं इसकी वैल्यू इतनी आई, जो कि इतनी इसकी वैल्यू हमने क्या किया निकाला था ना, इतना ही आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको देखिए ये कट जाएगा, तो ये कटेगा तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 7 गुड़े 2 यानी 14, तो इसका आंसर कितना आ गया 14। तो अब हम लोग जो फ्रैक्शन होंगे अब उनका जोड़ने और घटाने का क्या नियम होता है, कैसे होता है उसको समझेंगे। लेकिन देखिए अब इसके लिए 2 केस होते हैं। एक केस में क्या होगा, आपका जो नीचे का हिस्सा रहेगा, नीचे का हिस्सा मतलब हर यानी डिनोमिनेटर, अगर बराबर रहेगा तब का कंडीशन, और एक सेकेंड केस होता है जिसमें हम लोग का जो अगर डिनोमिनेटर बराबर नहीं रहेगा तब कैसे करेंगे, उन दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले पहला केस इस्तेमाल करते हैं। तो पहला केस यानी केस नंबर 1 क्या है, जब भिन्नों के हर आपस में बराबर हो। जैसे अब देखिए यहाँ पर बटे में 4 है, ये भी बटे में 4, ये भी नीचे वाला हिस्सा क्या है, सब के सब बराबर हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करेंगे, कुछ करना नहीं है। बराबर क्या करना है, बटे में यहाँ आपको क्या करना है 4 लिख देना है, और जो भी ऊपर है ऊपर की संख्या को उसके साइन के साथ लिख देना है। तो देखिए ऊपर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब प्लस होता है, तो यानी 4 सॉरी 11, और देखिए यहाँ पे क्या है 3 है तो उसके आगे क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 3। अब यहाँ पे क्या है 13, लेकिन सामने क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस का 13। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो देखिए क्या है 11 और 3 कितना होगा आपका 14 माइनस का 13 और बटे में क्या है 4। तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो 14 में से 13 जाएगा कितना बचेगा 1 और बटे में क्या हो जाएगा 4। तो ये इसका आंसर आ गया। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड केस की बात करते हैं, जब हमारे भिन्न आपस में जो भिन्न है उनके हर आपस में बराबर ना हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास क्या ये क्वेश्चन है कि सर ये 7 आपका, देखिए यहाँ 7 है यहाँ 4 है, तो जब दोनों का आपका हर यानी डिनोमिनेटर जब आपका अलग अलग आता है तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग एलसीएम लेते हैं। अब मैं एलसीएम के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा आपको समझाऊंगा, बट यहाँ पे शॉर्ट में समझिए क्या करना है, आपको नीचे वाले दोनों संख्याओं को लेनी है और इनका आपको एलसीएम करना है। अब देखिए ये कितनी बार जाएगा 2 बार, और फिर क्या करेंगे 2 से ले जाएंगे, अब 7 तो अपने पाड़ा से ही कटेगा। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर देना, देखिए 2 दुनी 4 और 4 7 28, तो दोनों का जो एलसीएम आएगा 28 यानी बटे में कितना आ गया 28, ठीक है। अब ऊपर जो संख्या लिखा है ऊपर वाले संख्या को लिखना है, इनटू लिखना है आपको। अब देखिए ये 7 है ना, तो 7 के पहाड़ा में 28 कितनी बार आता है, तो 7 चौका 28 4 बार, तो यहाँ पे 4 लिखना है, फिर यहाँ लिखना है प्लस, यहाँ जो ऊपर संख्या 3 गुणे, अब 4 के पहाड़ा में 7 कितनी बार आता है, सॉरी 4 के पहाड़ा में 28 कितनी बार आता है, तो देखिए 7 चौका 28
तो यहाँ पे 7 बार जाएगा तो फिर उसका कैलकुलेशन कर लेंगे, 4 चौका 16, 7 3 का 21 और बटे में 28, इसको जोड़ देंगे तो 6 1 7 हो जाएगा और 2 1 3 हो गया और बटे में 28, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसके सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए पहले मैं इसको सही कर, क्योंकि ये होल में है तो पहले इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ। तो देखिए ये 7 बटे में 8 हो जाएगा, 4 2 का 8 और 8 1 9 हो जाएगा, तो ये 9 बटे का 4 और ये -2। ठीक है, अब देखिए यहाँ बटे में कुछ नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 8 4 और 1 का एलसीएम लेंगे। तो देखिए कितनी बार जाएगा, पहले 2 से लेकर चलते हैं, तो ये 4 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम, ये 1 टाइम, और ये देखिए हमको लास्ट में 1 1 कन्वर्ट करना है, ये याद रखिएगा। तो 2 टाइम जाएगा, फिर ये 1 टाइम 1 टाइम, और ये क्या हो जाएगा, 1 टाइम 1 टाइम 1। तो देखिए 2 2 4 और 4 2 8, यानी सबका टोटल जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 8। तो बटे में क्या होगा, 8। ऊपर जो संख्या लिखा है उसको लिखेंगे 7, फिर गुणा करेंगे, 8 के पहाड़ा में 8 कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1। अब प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस इसलिए प्लस, तो देखिए यहाँ नंबर क्या है, 9 है, तो 9 गुणे। अब 4 के पहाड़ा में 8 कितनी बार जाएगा, 2 बार, इसलिए क्या लिखा, 2। और फिर अगला क्या है, माइनस, ठीक है, 2 गुणे। अब 1 के पहाड़ा में 8 कितनी बार जाएगा, तो 8 बार जाएगा, इसलिए इसको ऐसे कर देंगे। तो 7 एकम 7, 9 2 का 18 -16 और बटे में 8 हो जाएगा। अब देखिए 18 में से 16 गया, 2 बचा और 7, कितना हो जाएगा, 9 बटे का 8, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद करिएगा और इसका आंसर हमें बताइएगा। ठीक है, के दो तरीके होते हैं। अब हम लोग भिन्न का गुणा और भाग करेंगे। तो देखिए उससे पहले आपको एक फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, वो फार्मूला आपको सेट करना है। ठीक है कि सर ये फार्मूला क्या है, कि देखिए अगर हमको दो भिन्न वाली संख्याएं देंगे, जैसे ए बटे में बी गुणे सी बटे में डी, अगर ऐसा रहेगा, इनके बीच में इंटू रहेगा, तो ऊपर का ऊपर संख्या जो रहेगा उसका गुणा हो जाता है और जो नीचे रहेगी उसमें उसकी हो जाती है। ठीक है, वैसे ही जब डिवाइड का सिंबल रहेगा तो हम लोग डिवाइड को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, गुणे में। उसके लिए क्या करना है, जो यहाँ पर संख्या दी रहेगी, यानी देखिए भागा यहाँ पर है, तो ये जो भागा के बाद यहाँ जो संख्या दी रहेगी, यानी सी बटे में डी है, तो इसको जब इंटू में बदलेंगे तो ये ऊपर नीचे क्या होता है, बदल जाता है। देखिए सी ऊपर है, डी नीचे है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऊपर और सी नीचे हो जाएगा। और फिर हमको ये प्रॉपर्टी पता है कि मल्टीप्लाई सामने सामने हो जाएगा, तो ए इंटू डी और बटे में क्या है, बी इंटू सी। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स को करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमको क्या दिया है कि 2 बटे में 3 गुणे 15 बटा 17, तो देखिए इसको फॉलो कर रहा है ना, तो इसका सीधा मतलब क्या हो जाएगा कि सर ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 गुणे 15 और बटे में क्या होगा, 3 गुणे 17, तो 15 2 का 30 और बटे में 17 51, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही ये देखिए यहाँ डिवाइड का सिंबल लगा है, तो इसको क्या करेंगे, 3 बटे में 14 लिख लिया। अब देखिए जब डिवाइड का यहाँ पर है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इंटू में करेंगे, इंटू में जब करेंगे तो जो ऊपर रहेगा वो नीचे लिखेंगे और जो नीचे रहेगा उसको ऊपर, तो 4 बटे का 3 कर देंगे। तो देखिए 3 से 3 यहाँ कट जाएगा, मैं कट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 बार जाएगा, यहाँ 7 बार, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 बटा 7, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको एक नोट पॉइंट याद करना है कि जो ऋणात्मक भिन्न होंगे, यानी अगर जिसकी वैल्यू नेगेटिव में रहेगी उसको हम लोग संयुक्त भिन्न में नहीं बदलते हैं। ठीक है, जैसे या फिर उसको रूल उसका चेंज होता है, जैसे ये देखिए क्या है, -16 बटे में 5 है, तो हम लोग को माइंड में आएगा कि सर ऐसे कर देंगे, 16 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 15, कि 3 बार जाएगा और बचेगा क्या, तो आप बोलोगे सर इसको यहाँ लिखिए और जो बचा है वहाँ पर और इसको यहाँ, और साइन माइनस, इसलिए माइनस, नहीं ऐसा नहीं होता है। ऐसे केस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समझिएगा जरा, निगेटिव जब रहेगा तो ध्यान ये देना है कि ये जो संख्या है, ये आगे वाली संख्या है वो निगेटिव है और ऊपर वाली जो संख्या है वो प्लस है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, -15 आता है, और +1 करेंगे और बटे में 5 करेंगे तो देखिए -14/5 होगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, ऐसे संख्याओं को जो भी दिया रहेगा, जैसे 16 है ये 5 है, तो इसको कम नहीं ज़्यादा बार लेके जाएंगे। तो देखिए 5 चौका क्या हो जाएगा, 20,
और ये क्या होगा, चार। तो देखिए यहाँ पर जो भी आपका आएगा वो क्या चार आया है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगा करके चार लिखेंगे और जो बचा हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे और बटे में पाँच। ठीक है, अब आपके मन में अभी भी डाउट आएगा सर ऐसे कैसे, तो देखो मैं इसको समझा रहा हूँ। अगर आप इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे तो पाँच चौका बीस आएगा, ठीक है, लेकिन निगेटिव साइन इस बात का ध्यान दीजिएगा, और ऊपर जोड़ते हैं तो ऊपर कितना है प्लस का चार और बटे में कितना है पाँच। तो देखिए 20 बड़ा है तो 20 में से 4 जगह कितना आएगा 16, और बड़े वाले का साइन लगाते हैं तो बड़े वाले का साइन क्या है माइनस का, तो माइनस का देखिए 5। तो देखिए ये चीज़ें मिल रही है ना, लेकिन ये चीज़ और ये कितना आ रहा है इतना आ रहा है, जबकि ये चीज़ इक्वल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ आ गई कि नेगेटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके अगले वाले मल्टीप्लाई करके फिर उसको उसमें से जोड़ देंगे। तो दोस्तों आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने बेसिक चीज़ों पर पकड़ बना लिया है, और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लेवल के जो क्वेश्चंस आएंगे अब आप उसमें जो बेसिक चीज़ें रहेंगी जो गलतियां करते हैं वो गलतियां नहीं करेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा, इसके दो पार्ट और बनाना है, उन दो पार्ट में आपको बना करके फिर आपका जो सिलेबस होगा जिसमें जो भी चीज़ें हैं बेसिक चीज़ें से मैं एक एक चैप्टर वाइज स्टार्ट करूँगा। ये सब बेसिक कैलकुलेशन है ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आई आपको तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ठीक है। जय हिंद।